नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं दिनेश रावत और आप सभी का हमारे चैनल कृषि दर्शन XYZ पर स्वागत है। किसान भाइयों, अभी रबी का सीज़न चालू हो चुका है और सभी किसान भाई कहीं ना कहीं अपने खेत में अलग अलग फसल बोने की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई गेहूं चना तो कोई सरसों तो कोई राई। तो किसान साथियों, मैं भी अपने खेत में चने बोने की तैयारी कर रहा हूं और अभी हम चलते हैं अपने खेत में और लाइव आपको दिखाते हैं कि चने किस प्रकार से बोए जा रहे हैं और कैसे तैयारी की जाती है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो ठीक है साथियों, हम चलते हैं खेत में और लाइव आपको दिखाते हैं कि चने कैसे बोए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। साथियों, हम खेत में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर के माध्यम से चने बोने की तैयारी भरपूर की जा रही है। और ये है ट्रैक्टर में लगा हुआ सीड ड्रिल, इसमें अभी चने विधिवत डाले जाएंगे। और ये जो पैटी है सीड ड्रिल की, इसमें 60 से 70 किलो का चना एक बार में आ जाता है। और चना डालने के पहले उसमें कुछ जो कचरा होता है, कूड़ा होता है या कुछ छोटे छोटे डंठल होते हैं, उसे बाहर किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है ताकि बोते समय वो अटके ना, व्यवधान उत्पन्न ना करें। और आप देख सकते हैं ये हमारे किसान बंधु बहुत ही प्यार से चने को बाल्टी में भरते हुए और बाल्टी के माध्यम से सीड ड्रिल की पेटी में डालते हुए। और दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप लाइव खेत में जाते हैं और इस प्रकार से खेती के जो तरीके होते हैं या जो कृषि होती है उसके बारे में देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं ये लगातार बाल्टी के माध्यम से इस सीड ड्रिल की पेटी में चने डाल रहे हैं और इनके चेहरे पर एक अद्भुत सी खुशी है। तो दोस्तों, किसान वर्ग कभी भी काम में पीछे नहीं हटता है, उन्हें काम करते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है और हमें भी होना चाहिए। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं खेती किसानी पर टिकी हुई है, क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे हैं या फैक्ट्रियां हैं उन्हें कच्चा माल खेती से ही प्राप्त होता है। और अगर हमारे देश का जो किसान वर्ग अगर खेती ना करे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चले जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध उद्योग धंधे और फैक्ट्रियों से है। और ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये जो कच्चा माल मिलता है ना, खेती से मिलता है और उसी के आधार पर समस्त प्रकार के धंधे और उद्योग चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार चने पेटी में डाला जा रहा है और लगभग लगभग 60 से 70 किलो चना इसमें डलेगा। और ये जो चना आप देख रहे हैं ये विशाल वैरायटी है और विशाल में इसे अन्नागिरी के नाम से भी काफ़ी किसान लोग जानते हैं। और ये पेटी जब कंप्लीट भरा जाएगी तो उसके बाद में इसे एक बार चेक किया जाएगा कि हमारा जो चना है लगभग लगभग कितनी दूरी पर गिर रहा है, उसके आधार पर परफेक्शन के लिए सेट किया जाएगा। और सेट करने के बाद ही फाइनल इस मशीन को चलाया जाता है। तो अभी पेटी लगभग लगभग भरा चुकी है, आप देख सकते हैं, और उसका लेवल किया जा रहा है और यह ढक्कन हमने बंद किया है। और अब ट्रैक्टर सीधा आ चुका है खेत में और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यह ट्रैक्टर चल रहा है और बहुत ही अच्छा यहाँ का सीन है, अच्छा लग रहा है। और आप खुद भी अनुभव कर रहे होंगे कि इस प्रकार से यदि आप खेत में लाइव जाते हैं और खेती किसानी देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और ये लगातार किसान और ट्रैक्टर चालक चने की बुआई करते हुए। और साथियों, ये रबी का सीज़न है, आपको हर खेत में कुछ ना कुछ काम करते हुए किसान वर्ग दिख जाएगा, क्योंकि अभी गेहूं चना बोया जा रहा है या बोने की तैयारी की जा रही है। साथ में सरसों राई और इस प्रकार की जो रबी की फसल होती है उन्हें बोने के लिए किसान वर्ग संपूर्ण तैयारी में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। और हम भी अपने खेत में चने बो रहे हैं जो कि अन्नागिरी का चना है, जिसे विशाल के नाम से भी जानते हैं। तो देख सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, अद्भुत लग रहा होगा। और साथियों, हमारे देश का जो किसान वर्ग है वो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है, कभी भी हिचकिचाता नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और आपको हम बारीकी से दिखाते हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।